इंदौर में फिर एक बार गाड़ियों में आग जनी की घटनाएं सामने आई हैं, जहां कार में आग लगाने वाले आरोपी ने अपने आप को छुपाने के लिए सामने लगे सीसीटीवी कैमरे का रुख मोड़ दिया, उसके बाद कार में आग लगा दी। चंदननगर थाना क्षेत्र में आरोपी युवक ने पहले तो अपने अपराध को छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का रुख मोड़ दिया, उसके बाद उसने कार में आग लगाई। आरोपी ने कपड़े की जाली को कार पर डालकर उससे कार में आग लगाई, जिससे उसकी चपेट में एक ऑटो भी आ गया और जलकर खाक हो गया। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी कैमरे में कैद हुआ, जिसकी अब चंदन नगर पुलिस तलाश कर रही है। गाड़ी जली है और रिक्शा को थोड़ा सा डैमेज हुआ है बैक साइड का। अच्छा, कैमरे में क्या दिख रहा है? कैमरे में एक लड़का है जो कि मेरे सीसीटीवी कैमरे को डैमेज किया है और दूसरे को भी डैमेज किया है। दो कैमरे डैमेज करते हुए। किन की गाड़ी है ये? सोनू राठौर की। अच्छा, ठीक है। आप कितने मिनट में ये पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया जो सीसीटीवी? करीब करीब इसने रात को 3:20 से 3:25 के बीच में इसने इस घटना को अंजाम। कौन है जलाने वाला? कोई नहीं सर, ऐसी जानकारी नहीं है। आपका नाम? सबसे पहले क्या करा उसने आकर यहाँ पर? आने के बाद में सर पहले तो उसने नेट उखाड़ी, उसके बाद में मेरा सीसीटीवी कैमरा डैमेज किया। अच्छा, और फिर आग लगा के बताया? फिर आग लगा के। आपका नाम बता दो। मेरा नाम रविंद्र गोसावी।